नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आप देख रहे हैं मैकेनिक प्रदीप का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम भारत बेंच का केबिन का रिव्यू देंगे, जो कि केबिन में इसका क्या क्या फंक्शन है वो हम दिखाएंगे। तो ये रहा दोस्तों भारत बेंच, जो कि ये रहा हमारा केबिन। तो ये रहा इसका स्टेयरिंग, तो केबिन में देख सकते हैं आप। ये रहा इसका डैशबोर्ड दोस्तों। तो चलिए हम इसका केबिन के बारे में बताते हैं दोस्तों, और इसका फंक्शन के बारे में, इसमें फंक्शन क्या क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा स्टेयरिंग, तो हम इसे चाबी ऑन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, चाबी ऑन करने के बाद सारा लाइटिंग सिस्टम आ गया है डिस्प्ले पे, और ये न्यूट्रल आ गया है दोस्तों। तो गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड का जानकारी देते हैं आपको। तो अभी डिस्प्ले वन है जो आप देख रहे हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं इसका ये वाला स्विच का। तो ये दोस्तों इमरजेंसी स्विच है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे आपको दबाना नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए देता है दोस्तों, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, गेट वेट नहीं खुल रहा है, तो ये शायद इमरजेंसी के लिए कुछ है ऐसा। तो इसे नहीं प्रेस करना है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका जस्ट बगल में ये, तो ये दूर ग्लास का है जो कि शीशा डाउन करने के लिए। तो ये दिखाते हैं आपको दबा के और डाउन करके। ये देख सकते हैं शीशा डाउन हुआ, और इधर से दबाने से ये देख सकते हैं शीशा ऊपर चढ़ता है। तो ये दोस्तों ग्लास का है। और अब हम आते हैं राइट साइड वाला ग्लास। तो राइट साइड वाला स्विच दोस्तों इधर दिया गया है, इसको दबाने से इधर राइट साइड वाला शीशा डाउन होगा, और ऊपर की ओर दबाने से ऊपर जाएगा। तो ये दोनों स्विच हो गया है दोस्तों, ये शीशा का, और अब हम आते हैं एसी का। तो दोस्तों ये है इस, सबसे पहले ये देख रहे हैं इसे चालू करना है आपको भारत बेंच में। तो इसे दबाना है, इसे दबाने के बाद आपको ये ब्लोअर वाली है हवा का स्पीड, और ये बीच में चाहिए तो इधर रखिए, इधर रख सकते हैं। अगर तीनों ओर चाहिए तो ऊपर नीचे बीच में, तो ये देख सकते हैं इसको ये पोजीशन में रखना है। अगर बीच में चाहिए और पैर तरफ, तो आपको इस पोजीशन में रखना है। हमें दोस्तों इस पोजीशन में ज़्यादा अच्छा है, तो इस पोजीशन में हम रखते हैं अगर एसी चलाते हैं। तो आपको भी इस पोजीशन में रखना है। और ये दो हीटर के लिए है, अगर आपको हीटर चलाना है तो ये रहा हीटर, इसे ऑन करना है। तो इसका ज़रूरत नहीं है गर्मी में, तो आप एसी चलाएं सिर्फ। तो इसे हम बंद कर लिए। अब दोस्तों ये पार्किंग का है, जो कि दिखाएंगे। ये देख सकते हैं पार्किंग जल रहा है इधर, तो इसे बंद कर लेना। और ये हिल के लिए दिया गया है। मान लीजिए आप लोड गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी रैम में जैसे चढ़ाई में चढ़ रहा है हाइट में, और गाड़ी बंद हो गया अगर अचानक, तो उस टाइम क्या करते हैं आप, हैंड ब्रेक लगाते हैं। तो हैंड ब्रेक दोस्तों लगाने के टाइम में फिर गाड़ी उठाना है आपको, उस टाइम इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसे किस टाइम यूज किया जाता है। इसे डाल के और आप फिर से गाड़ी को उठाएंगे, तो गाड़ी जैसे रिवर्स आती है, तो ये नहीं होगा उस तरह, आपको इसको डालना है। अब हम आते हैं दोस्तों इधर में स्टीयरिंग के पास। तो इधर कौन कौन सा स्विच है ये हम बताते हैं। तो दोस्तों ये दिया हुआ है फाइल और सेटिंग, जो टाइम एम सेट होता है वो दिया हुआ है। ये दोनों दोस्तों टाइम एम सेट करने के लिए है, आवर्स मीटर निकालने के लिए। ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि किलोमीटर है, डीजल कितना पर एड ब्लू 72%। तो ये बटन से आप देख रहे हैं ये सब निकलता है। ये देख सकते हैं ये नीचे वाला जो स्विच है, ये डिफरेंशियल लॉक का है, जो कि आप फोर व्हील जिसे बोलते हैं हम लोग, फोर व्हील लॉक डालना है, डिफरेंशियल लॉक लगाना है। जो मान लीजिए कहीं चक्का राउंड कर रहा है आपका, कीचड़ वगैरह में फंस गया है,
उस टाइम यूज करना है दोस्तों इसको, जो कि इस तरह से इसको अगर सिंगल लगाना है तो एक बार, और डबल लगाना है तो इस तरह से दो बार यूज करना होता है। तो इसे बंद कर लेते हैं, ये ऑफ हो गया, अगर अप्लाई करना है तो ये ऑन हो गया, तो इसे बंद कर लेते हैं। उसका ठीक जस्ट नीचे दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पीटीओ का है। अगर डाला उठाना है दोस्तों आपको तो इस तरह से अप्लाई करना है, जो कि इसमें लाइट देख रहे हैं आप, लाइट आ गया, तो इसे बंद कर लेते हैं। तो इसका दोस्तों डाला का जो पीटीओ का लीवर दिया गया है वो सीट का जस्ट राइट साइड में दिया गया है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से है इसका लीवर राइट साइड में। तो इसको डाला कैसे उठाना है दोस्तों ये हम बताते हैं। तो इसका डाला उठाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसका क्लच पेडल को दोस्तों इस तरह से हमें दबा के रखना है, इस तरह से दबाना है दोस्तों इस तरह से, और दबा के रखने के बाद दोस्तों दबा के ही रखना है, और ये स्विच को इस तरह से अप्लाई करना है, और उसके बाद स्विच वो छोड़ के लीवर को नीचे करना है दोस्तों। उसके बाद आपका डाला उठने लगेगा, तो इसे हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं डाला डाउन करना है, तो इस तरह से इसे डाला डाउन हो रहा है दोस्तों। तो डाला डाउन करना है तो दोस्तों इस तरह से इसे ऊपर की ओर दबाना है, तो ये देख सकते हैं डाला पूरी तरह से डाउन हो गया है, और अब हम छोड़ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं। तो पीटीओ कैसे उठाना है दोस्तों भारत बेंच का आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये स्विच दोस्तों इधर का कंप्लीट हो गया है, अब हम आते हैं राइट साइड, जो कि राइट साइड में इस तरह का स्विच दिया गया है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक आरपीएम में रखने के लिए, अगर आपको आइडल में आरपीएम बढ़ाना है तो इस तरह से इसे प्लस में करना है, और इस तरह से माइनस में, तो ये आरपीएम ऑटोमेटिक बढ़ेगा दोस्तों। तो ये आरपीएम का है, और ये तो इसको दबाने से ज़ीरो हो जाएगा आरपीएम। तो दोस्तों ये मेन हेडलाइट का स्विच है, जो कि आपको हेडलाइट जलाना है आगे का, तो इस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है डबल, जो कि दोनों हेडलाइट जलने लगेंगे, तो इसे बंद कर लेते हैं। अब दोस्तों इसका नीचे की ओर भी स्विच दिया गया है, जो कि ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये लाइट को ऊपर नीचे क्लिक करने के लिए दिया गया है दोस्तों, लाइट को ऊपर नीचे ये देख सकते हैं। और ये वाला दोस्तों केबिन लाइट है, जो कि पीछे का जो डाला का लाइट है ये वाला, ये स्विच है, तो इसे बंद कर लें। नीचे की ओर देख सकते हैं ये है रहा इसका एक्सीलेटर, और ये रहा इसका ब्रेक पेडल। तो स्विच दोस्तों इसमें इतना ही दिया गया है, और एक स्विच दिया गया है दोस्तों, तो ये आप लोग को नहीं दबाना है, इसका ज़रूरी नहीं आप लोग को। और ये रहा इसका हैंड ब्रेक भारत बेंच का, जो कि इस तरह से इसे प्रेस करके और छुड़ाना भी है और लगाना भी है, इस तरह से प्रेस करके। तो अभी लगा हुआ है दोस्तों, और अगर छुड़ाना है तो इसे ओपन कर दें ऐसे दबा के, और ये ओपन हो गया और ये लग गया। और ये चार्जिंग का दिया गया, इसमें कैमरा भी दिया गया है दोस्तों, इसमें कैमरा भी दिया गया है, जो कि आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालेंगे तो कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जो कि दिखाएंगे हम आपको। ये रहा इसका गियर, जो कि 8 गियर है दोस्तों इसमें, और डबल न्यूट्रल दिया गया है दोस्तों 8 गियर में, और एक रिवर्स और एक सी गियर है, जो कि टोटल इसमें 10 गियर है दोस्तों रिवर्स और सी गियर को लेकर। तो ये मैनुअल में दोस्तों 8 गियर है और डबल न्यूट्रल है। तो डबल न्यूट्रल दोस्तों एक 4 नंबर तक रहता है, उसके बाद अगर डबल न्यूट्रल मार के और फिर 5 नंबर से लगाना है, डबल न्यूट्रल के बाद ही 5वां नंबर लगेगा दोस्तों। तो ये गियर है, इसमें कोई हाई लो का नहीं दिया गया दोस्तों, डायरेक्ट गियर है। और ये दोस्तों फायर बोतल है, जो कि यहाँ पे दिया गया है भारत बेंच में। ये दोस्तों अगर मान लीजिए अचानक कहीं आपका गाड़ी में आग लग जाता है, उस टाइम इसे यूज करना है दोस्तों, तो ये यहाँ पे दिया गया है सेफ्टी के लिए, काफ़ी अच्छा है। और अब हम आते हैं स्टेयरिंग के ऊपर।
जो कि स्टेयरिंग में क्या क्या फंक्शन दिया गया है इसमें वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों राइट साइड का बात करेंगे जो कि ये वाला, तो इंजन कंट्रोलिंग है जो कि इसे इस तरह से अप्लाई करना है, जो कि देख सकते हैं आप डिस्प्ले में आ गया है और बंद करेंगे तो चला जाएगा। तो दोस्तों इंजन कंट्रोलिंग है, अगर इसको अप्लाई करना है तो इस तरह से इसे ऑन कर लेना है और इस तरह से देख रहे हैं ऑफ कर लेना है। राइट साइड में एक ही दिया हुआ, अब लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिस्टम दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं, अगर पासिंग लाइट भी दिया गया है दोस्तों इसी में, और वाइपर का भी दिया गया है दोस्तों इसी में जो शीशा को साफ करते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए लेफ्ट और राइट पास करना है तो इसे इस तरह से उठाना है, देख राइट तरफ अगर पास करना है दोस्तों तो इस तरह से आपको लगा देना है, और अगर लेफ्ट तरफ पासिंग लेना है दोस्तों तो इस तरह से आपको नीचे कर देना है, ये देख सकते हैं आप, तो इसे बंद कर लिए। अब दोस्तों वाइपर अगर चलाना है तो इसको इस तरह से दोस्तों, ये पासिंग लाइट भी है जो कि मान लीजिए आप इसे कहीं लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो उससे भी पास होगा, इससे वाइपर भी जलेगा। और इधर में दोस्तों हॉर्न बजाने के लिए भी दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं इससे हॉर्न भी बजता है, और हॉर्न दोस्तों ये स्टेयरिंग में भी दिया गया है देख सकते हैं आप, तो इसे इस तरह से प्रेस, तो ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ये पानी छोड़ने वाला है दोस्तों, इसके प्रेस करके रखना है और इधर घुमाना है तो स्पीड भी चलेगा, और आपको शीशा पे पानी छोड़ना है तो यही है दोस्तों, इसको इसे दबा के और इधर घुमाना है, देख सकते हैं आप, और पानी के लिए भी दिया गया है और स्पीड के लिए भी, और ये वाइपर के लिए भी है। तो इसे आपको यूज करना है जब शीशा गंदा हो गया है या उस टाइम वाइपर को यूज करना है, नहीं तो फिर अगर पासिंग लेना है उस टाइम आप इसे पासिंग वाला लाइट को यूज करना है लेफ्ट राइट मुड़ने के टाइम। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, और इधर दोस्तों म्यूजिक सिस्टम दिया गया है ये देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, और उधर दोस्तों केबिन लाइट दिया गया है और एक राइट साइड में, तो इसको जलाने के लिए इधर से ही है स्विच, तो इसे अगर जलाना है तो इसे बंद कर चालू करके आप जला सकते हैं। और अब हम बात कर देंगे सीट का, तो इसका सीट कुछ इस तरह से दिया गया है दोस्तों देख सकते हैं, जो कि इसमें कुछ खास नहीं है। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका स्टेयरिंग एडजस्ट करना, तो कैसे करेंगे दोस्तों स्टेयरिंग एडजस्ट, जो कि ये देख रहे हैं आप, ये स्टेयरिंग एडजस्टर है, तो ये नीचे कर लेना है दोस्तों हाथ से, ये इस तरह रहता है दोस्तों, तो इसे इस तरह से नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद ये देख सकते हैं आप स्टेयरिंग ऊपर नीचे आप करके इसे इस तरह से ऊपर उठा दीजिए, जितना में चाहिए आपको उतना में, तो ये लॉक हो गया देख सकते हैं आप, तो यह स्टेयरिंग इतना पे फिक्स हो गया। तो स्टेयरिंग फिक्स करने के लिए यहाँ दिया गया है दोस्तों, आप लोग इधर उधर ना ढूंढे, सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्टेयरिंग अपना हिसाब से एडजस्ट करके चला सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों इसका सीट में, और ये रहा दोस्तों इसका सीट, तो ये पीछे वाला अगर ये एडजस्ट करना आगे पीछे तो दोस्तों ये इस तरह से दबा के इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और ये रहा इसका हवा भरने का, मान लीजिए जंपिंग करने, ये देख सकते हैं उठ रहा है इसे ऊपर करने से, और ये दोस्तों सीट का एडजस्टिंग ही करने वाला है, ये भी आगे सीट को अगर आगे से उठाना है तो इसी से उठेगा दोस्तों, और ये भी है सीट को ऊपर, ये जो है गति उसे डाउन करने के लिए और हाइट पीछे करने के लिए, और ये दोस्तों सीट को आगे दबा के आगे पीछे करने के लिए है, और ये इसका सीट बेल्ट है दोस्तों जो कि सीट में ही दिया गया है। और अब हम दोस्तों इसका डिस्प्ले के बारे में बताएंगे, जो कि ये रहा इसका डिस्प्ले, और ये रहा दोस्तों आरपीएम मीटर, दोस्तों ये रहा इसका डिस्प्ले किलोमीटर है, आप कितना स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं यहाँ पे बताएगा, और नीचे में जो ब्लू वाला देख रहे हैं दोस्तों वो एड ब्लू का है, और ये जो देख रहे हैं ये डीजल का है, तो डीजल इसमें कितना है अभी वो यहाँ पे वाइट वाला है दोस्तों डीजल का,
और ये ब्लू वाला है एड ब्लू का। और दोस्तों ये साइड और ये दोस्तों आरपीएम का है, आप कितना आरपीएम में गाड़ी चला रहे हैं वो मीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये प्रेशर बार है दोस्तों, जो कि गाड़ी में आपका प्रेशर कितना है, एयर प्रेशर हवा का, वो यहाँ पे बताएगा दोनों टैंक का। और ये दोस्तों ट्रिप का है, जो कि ये सब दोस्तों ये माइनस प्लस या सब आगे बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ट्रिप मीटर ये सब है, तो ये सब आप लोग का ज़रूरत नहीं है दबाने का। और ये यहाँ पे टेम्परेचर है दोस्तों, इधर का अभी कितना डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे बताएगा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी 34 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे। और गाड़ी कितना गियर में दोस्तों ये यहाँ पे शो करेगा सब गियर आप चलाने के टाइम में, तो ये देख सकते हैं अभी न्यूट्रल में है तो यहाँ पे न्यूट्रल शो कर रहा है। और ये 1 किलोमीटर है दोस्तों, ये देख सकते हैं किलोमीटर है। और यहाँ पे टाइम आप कितना बज रहा है दोस्तों ये टाइम भी बताएगा यहाँ पे। और ये ट्रिप मीटर है तो डिस्प्ले में दोस्तों, और ये आप देख रहे हैं ईयर का सिंबल है, और ये पार्किंग का सिग्नल जो हैंड ब्रेक है आपका, अभी पार्किंग लगा हुआ है तो ये पार्किंग सिग्नल, और ये स्टॉप का सिग्नल भी आ रहा है दोस्तों। हवा कम रहेगा दोस्तों ये तो स्टॉप का सिग्नल आता है इस तरह से। और ये भी यहाँ पे कुछ भी फॉल्ट होगा दोस्तों ये सब सिग्नल है, जो कि यहाँ पे सारा सिग्नल भी आएगा आपका। तो दोस्तों डिस्प्ले का कंप्लीट हो गया, अब डिस्प्ले में और कुछ भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आप देख के बहुत ही आसानी से वर्कशॉप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैकेनिक से, और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें दोस्तों। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।